सामाजिक संस्था जी जागृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गुरुवार को बेटमा नगर में 96 भवन में नागरिकों को मास्क वितरित किए गए। वहीं संस्था के नागरिकों को वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया गया। सदस्यों ने बताया कि इस महामारी से बचने के लिए हमें समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना जरूरी है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। आवश्यकता होने पर ही घर के बाहर निकले और घर से निकलते समय अपने मुँह पर मास्क का उपयोग करें। संस्था सदस्यों द्वारा नागरिकों को बताया कि कोरोना के बचाव ही इस बीमारी का बेहतर इलाज है। साथ ही प्रदेश में चल रहे कील कोरोना अभियान के तहत घर घर हो रहे सर्वे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सही जानकारी देने की अपील भी की गई है। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। संस्था जी जागृति की तरफ से हम यहाँ पर आज इस बस्ती में मास्क वितरण किया है, जिसमें हमारा उद्देश्य यह है कि सरकार ने पूरी तरह से ऑलमोस्ट अनलॉक कर दिया है। अब हमारा बचाव खुद करना पड़ेगा, हमें खुद अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और साथ ही साथ जब हम सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे लोग भी सुरक्षित हो पाएंगे, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे बच्चे, वो सब सुरक्षित हो पाएंगे। थैंक यू। हाँ बताएं। आज हमारी संस्था जी जागृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 96 भवन में मास्क वितरित किए गए हैं। संस्था का उद्देश्य है लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न करना, अर्थात उनको जागृत करना। हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोगों को अवेयरनेस के लिए बताएं कि आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना महामारी जो चल रही है उसका इलाज पूर्णतः संभव नहीं है। अतः हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क अगर लगाने का की कोशिश करें और ज़्यादातर हो सके तो महत्वपूर्ण काम हो तभी हम घर से बाहर निकलें। यही हमारा संस्था का उद्देश्य था, इसलिए हमने आज इस बस्ती में आके मास्क वितरित किए गए हैं। संस्था के थोड़े से कार्यों के बारे में बताइए, आपकी क्या संस्था के कार्य वगैरह किस तरीके के कार्य करती है? संस्था का कार्य जैसे जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, ज़्यादातर हमारा उद्देश्य वही है कि हम उसके अनुसार कार्य करें। जैसे अभी हमारा वन उत्सव भी कुछ समय में शुरू हो चुका है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक पहला जो सप्ताह होता है वो वन उत्सव के लिए मनाया जाता है, तो आगे हमारा वो भी उद्देश्य है कि हम वृक्षारोपण करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।